तो मूवी की शुरुआत बेलगोरा नाम की एक जगह से होती है, जहाँ कुछ सिपाही एक आदमी के पीछे लगे हुए थे। इसका नाम अलियोशा था। अब वहाँ उनकी क्वीन भी आ जाती है और वो अलियोशा से किसी तलवार के बारे में पूछने लगती है, लेकिन अलियोशा के मना करने पर वो उसे पत्थर का बना देती है। और ये देखकर उसका साथी भागने लगता है और वो भागकर पानी में कूद जाता है, जहाँ उसे बहुत सारे पत्थर के लोग मिलते हैं। मतलब वो क्वीन हजारों लोगों को पुतला बना चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम इवान को देखते हैं, जो कि एक मैजिशियन था और ये बचपन में ही अपनी फैमिली से बिछड़ गया था। इवान यहाँ के लोगों को अपने जादू का शो दिखाता है और इससे उसे पैसे मिलते हैं। अब शो खत्म करके वो अपने घर जा रहा होता है कि अब हैरान परेशान इवान इधर उधर देखने लगता है कि तभी वहाँ एलियोशा का वही बूढ़ा साथी आ जाता है और वो बोलता है कि तुम अब बेलगोरा में हो और ये एक बिल्कुल अलग दुनिया है। वो बताता है कि दरअसल तुम्हारे माँ बाप यहीं के थे, लेकिन उनके कहने पर मैंने तुम्हें छुपा दिया था। लेकिन इवान उसकी बात का यकीन नहीं करता और तब वो बूढ़ा मैजिक करता है और अपने पीछे निकली पूंछ देखकर इवान शॉक्ड हो जाता है। अब वो बूढ़ा इवान को एक रिंग देता है और बोलता है कि तुम्हें इस जगह को बचाना होगा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बताए एक तीर आकर उसे लगता है और वो मर जाता है। इसके बाद गार्ड्स इवान को पकड़ लेते हैं और उसे ले जाकर किन डुबर्नियों के सामने पेश करते हैं, लेकिन यहाँ राजा इवान के हाथ की रिंग देखकर उसे आजाद कर देता है। वो बताता है कि तुम तो मेरे भाई हो जो कहीं खो गए थे, और वो उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराता है। उसके बाद वो उसे क्वीन से मिलवाता है। अब क्वीन उसे महल घुमाने ले जाती है और धोखा देकर उसे कैद खाने में बंद कर देती है। अब जेल में इवान कोशी नाम के एक आदमी से मिलता है, जिसके बॉडी पार्ट्स को काट कर बर्फ में कैद करा होता है। कोशी इवान से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, और इवान के पूछने पर वो बताता है कि तुम अलीशा के बेटे हो और इसीलिए तुम्हें यहाँ लाया गया है। तभी गार्ड्स वहाँ एक और कैदी को ले आते हैं, जो कि एक विच थी। अब इवान कोशी से पूछता है कि मुझे अपनी दुनिया में जाने का रास्ता बताइए। कोशी बोलता है कि तुम सिर्फ जादुई तलवार की मदद से ही अपनी दुनिया में जा सकते हो, और उसे सिर्फ अलीशा का बेटा ही उठा सकता है। और वो उसे ये भी बताता है कि उस तलवार को उठाने वाला अमर हो जाता है, और मैंने भी एक बार उसे उठाया था, लेकिन मुझे गार्ड्स ने पकड़कर यहाँ कैद कर दिया। अब उसी रात जब सब सो रहे थे, तब वहाँ नेल्सी नाम की एक लड़की आती है और विच अपने जादू से सभी गार्ड्स को बेहोश कर देती है, और नेल्सी कोशी को आजाद करने लगती है। अब आजाद होने के बाद कोशी इवान को भी साथ चलने को कहता है, क्योंकि उसे पता था कि इवान ही उन्हें बचा सकता है। अब जब इवान वहां से अपना सामान उठा रहा होता है, तभी उसका हाथ बैल पर लग जाता है, जिससे बाकी गार्ड्स वहां आ जाते हैं, लेकिन नेल्सी उनसे लड़ने लगती है और इसके बाद वो किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब जब रानी को इसकी खबर लगती है, तब वो उनके पीछे जाती है, लेकिन वो तो अब तक काफी दूर निकल जाते हैं। अगली सुबह रानी डुबर्नियों को रात का किस्सा सुनाती है। अब क्योंकि डुबर्नियों को ये नहीं पता था कि उसका भाई भी वहां कैद किया गया था, तो वो समझता है कि इवान ने बगावत करके सबको भगा दिया। वहीं इधर ये चारों भागकर विच के घर में पनाह लेते हैं, लेकिन यहाँ भी इवान से गलती हो जाती है और विच के घर में आग लग जाती है, और विच इवान पर बहुत गुस्सा करती है। लेकिन इससे पहले कि विच इवान को नुकसान पहुँचाए, कोशी बोलता है कि हमें तलवार ढूंढने के लिए इवान की ज़रूरत है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और इवान इस अनोखी दुनिया के खूबसूरत सफर को काफ़ी एंजॉय कर रहा था। इसके बाद वो एक लेक पर पहुंचते हैं और यहाँ उन्हें प्रोटेक्टर वार्डनी से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी, तो नेल्सी अपनी अदाएं दिखाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो तो एक फ्रॉग क्रीचर है, तब वो डरकर पीछे हट जाती है। इसके बाद विच जादू से खुद को एक खूबसूरत लड़की में बदल लेती है और वार्डनी को इम्प्रेस भी कर लेती है, और वार्डनी उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। अब कुछ देर बाद क्वीन भी यहाँ आ जाती है और उसे ये भी पता लग जाता है कि वार्डनी भी उनकी मदद कर रहा है। इसके बाद वो इस मैसेज को राजा के पास भेज देती है। अब ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं और इन्हें एक गुफा को पार करके आगे जाना था, लेकिन इस गुफा में एक जाइंट सोया हुआ था, और ये लोग बिना आवाज के आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन इवान की फूटी किस्मत, उसका मोबाइल अचानक रिंग करने लगता है और उसकी आवाज से जाइंट जाग जाता है, मगर इतनी देर में सारे लोग छिप जाते हैं। अब नेल्सी वार्डनी से मदद मांगती है, लेकिन तभी इवान को पता चलता है कि जाइंट एक फीमेल है और वो उसे डांस करके अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे सभी को वहां से भागने का टाइम मिल जाता है। अब वहां से निकलकर ये लोग नदी पर पहुंचते हैं और यहां कोशी वार्डनी से मछलियों को कंट्रोल करने को कहता है, और वार्डनी कंट्रोल करने का ट्राई भी करता है, लेकिन यहां की मछलियां बहुत शैतान थी, वो उल्टा वार्डनी को डराकर वहां से भगा देती हैं। अब इसी बीच नेल्सी और कोशी की बहस हो जाती है और गुस्से में नेल्सी वहां से चली जाती है, और उसके जाने के बाद कोशी इवान को नेल्सी की कहानी बताता है। वो कहता है कि वो यहां के किंग को पसंद आ गई थी, लेकिन इस बात से क्वीन जलने लगी थी और इसी वजह से उसने नेल्सी की पूरी फैमिली को मेंढक बना दिया था, मगर इसके बाद उसने अपना जादू वापस लेकर उन्हें वापस से इंसान बना दिया। अब ये लोग जब चाहे
मेंढक बन सकते हैं और जब चाहें इंसान बन सकते हैं। इवान उसकी कहानी सुनकर काफी दुखी हो जाता है और वो उसे मनाने के लिए एक खरगोश पकड़कर उसके पास ले जाता है, लेकिन नेल्सी उससे डरकर उसे दूर फेंक देती है और तभी वो खरगोश क्वीन में बदल जाता है और वहाँ गार्ड्स भी उन्हें घेर लेते हैं। अब इनसे बचने के लिए ये लोग एक कुएं में कूद जाते हैं और कुएं का मुंह बंद कर देते हैं, लेकिन तभी कुएं के अंदर वोडनी भी आ जाता है और वो विच पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि उसी ने उन सबको धोखा दिया था। इसके बाद वोडनी उनकी भागने में मदद करता है और खुद क्वीन का मुकाबला करने के लिए वहीं रुक जाता है, लेकिन क्वीन उस बेचारे को अपने जादू से मार देती है। अब ये लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं, लेकिन इवान यहाँ से अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता था और ये बात नेल्सी को उदास कर जाती है क्योंकि वो इवान को पसंद करने लगी थी। अब अगली सुबह जब ये लोग सोकर उठते हैं तब क्वीन अपने गार्ड्स के साथ इन्हें घेर लेती है, लेकिन नेल्सी इनसे लड़ने लगती है और इन्हें कड़ी टक्कर देती है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाती है। मगर गिरते हुए वो खुद को एक फ्रॉग में बदल लेती है और उसकी जान बच जाती है। अब ऊपर क्वीन इन लोगों को बंदी बना लेती है और इवान को अपने साथ ले जाती है, लेकिन रास्ते में मौका देखकर इवान यहाँ से भाग निकलता है और एक अजीब जगह पहुंच जाता है जहाँ की जमीन में चारों तरफ तलवारें धसी हुई थी। तभी क्वीन भी उसके पीछे यहाँ आ जाती है और इवान पर हमला कर देती है। अब इवान खुद को बचाने की जी तोड़ कोशिश करता है और इसी में उसके हाथ असली जादुई तलवार आ जाती है और इवान का हाथ लगते ही वो चमकने लगती है और इस तलवार की मदद से वो रानी को आसानी से हरा देता है। अब इस सब के बाद वो तलवार कोशी के हवाले कर देता है, लेकिन तभी यहाँ राजा आ जाता है और कोशी इवान को धोखा दे देता है और वो तलवार को राजा से एक्सचेंज करना चाहता है और वो भी सिर्फ एक पत्थर के लिए। दरअसल ये सारा प्लान राजा का ही था क्योंकि वो जादुई तलवार और उस पत्थर से खुद को अमर बनाना चाहता था और इसी वजह से वो कोशी को भी धोखा देता है। और जैसे ही वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है कि अचानक नेल्सी उस पर अटैक कर देती है और तलवार उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है। अब तलवार को इवान उठा लेता है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ करता इवान तलवार के जरिए अपने दुनिया में आ जाता है, लेकिन यहाँ आकर वो दुखी हो जाता है और वो सोचता है कि मुझे नेल्सी का साथ देना चाहिए था। और वो वापस से स्लाइड में जाता है, लेकिन इस बार जादू नहीं होता और उसे गार्ड्स पकड़कर लॉकअप में बंद कर देते हैं और यहाँ उसे वही बूढ़ा मिलता है। दरअसल वो जादू के जरिए अभी भी जिंदा था और वो इवान के लिए यहाँ एक रास्ता खोल देता है जिसके जरिए इवान बेलगोरा के सफर पर निकल जाता है। वही महल में राजा टोटका पूरा करने वाला था, पर तभी इवान वहाँ पहुँच जाता है और उसे गन से शूट कर देता है, लेकिन वो तलवार की वजह से अमर हो चुका था और वो वापस से उठकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद वहाँ एक बेबी ड्रैगन आकर इवान की मदद करने लगता है और उसे नेल्सी को आजाद करने का वक्त मिल जाता है। अब नेल्सी उसे कहती है कि तुम्हें राजा को मारने के लिए उसका पत्थर तोड़ना होगा। इसके बाद इवान राजा को डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और उसका मकसद समझकर राजा तलवार के बिना ही उससे भिड़ जाता है, जबकि इधर क्वीन और नेल्सी भी आपस में लड़ने लगती हैं। अब इस फाइट के दौरान इवान को पता चलता है कि उसके पिता को राजा और रानी ने मिलकर पत्थर का बना दिया था। वहीं कोशी मौका पाकर पत्थर को उठा लेता है और सब समझ रहे थे कि कोशी पत्थर का गलत इस्तेमाल करेगा, लेकिन वो उसे तलवार से तोड़ देता है जिससे कोशी और राजा दोनों मर जाते हैं। और ये देखकर क्वीन पतली गली से निकल जाती है। अब स्टोन के टूटने से सभी पुतले वापस से जिंदा हो जाते हैं और इवान अपने पापा से मिलता है और ये दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद इवान इस दुनिया में रुकने का फैसला करता है और वो बाद में नेल्सी से शादी भी कर लेता है और एक दिन वो वापस अपनी दुनिया में आता है और उस कोमा वाले बच्चे को एक सीरम पिलाता है जिससे वो बच्चा ठीक हो जाता है। और गाइस यही वो सीन था जिसकी मैंने शुरू में बात की थी, क्योंकि हमें लगा था कि वो बच्चा मूवी में डाला ही क्यों गया है, लेकिन अब तो आपको पता चल ही गया होगा। खैर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं।